दोस्तों देखिए जूम करके दिखाता हूँ, देखिए हाय दोस्तों नमस्कार, मैं काशीनाथ, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं और एक बार शोले शूटिंग का लोकेशन दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो आइए मिलता हूँ रामनगर जाके। बोले तो रामनगर जाओ। दोस्तों देखिए यह है रामनगर गांव, बोले तो पूरा के पूरा शोले शूटिंग लोकेशन इधर ही है। ये जो मैदान देख रहे हैं, यही मैदान में गांव बसाया था। होली का गाना, गब्बर का जो फाइटिंग इधर ही हो रहा था। शायद अभी 4-5 साल बाद एक कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना डेवलप हो रहा है, पहचानने में मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों देखो ये रामनगर गांव देखने के लिए बहुत आदमी अभी आता है। ये देखो एक मेरा सब्सक्राइबर, क्या नाम है, प्रेम निखाते, किधर से आया, महाराष्ट्र, देखो महाराष्ट्र से आया, ये मेरा सब्सक्राइबर है, ये वीडियो देख के इधर आया। देखिए अच्छा लोकेशन है, बहुत वंडरफुल है, कैसा लग रहा है, जबरदस्त शूटिंग है, हाँ देखने लायक नज़ारे है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों दिखाता हूँ आपको, और दूर का जो नज़ारा है वो आपको ठाकुर साहब सभी खड़ा था, वो मैचिंग करके दिखा देंगे। अच्छा वो पहाड़ी का जो देखिए मार्ग दिखाई जा रहा है वो भी आपको दिखाई देगा, और ये तो हम सब ही आपको दिखाया। दोस्तों ये देखो कितना दूर दूर से आदमी आता है अभी ये शोले शूटिंग का लोकेशन देखने के लिए। देखिए दोस्तों जब अमिताभ जी को बंदूक लेके खड़ा होने के दिखा रहा था, वीरू तो टैंकी के ऊपर था और जय ने एक नीचे पत्थर में खड़ा था, और ऊपर से वो पहाड़ी वो पत्थर दिखाई जाता था, बिल्कुल 100% वही पत्थर है जो पीछे से दिखाई जाता है। बहुत सारी कमेंट आया जो सर जी आप वो टांगा लेके बसंती इधर एंड किया था,
ठाकुर साहब का घर के सामने वो जगह दिखाने के लिए, तो वो जगह मैं दिखाता हूँ। देखिए यही है वो रोड, देखिए यही है ये रोड। इधर तक आके यू टर्न लेगा। मैं पहला एक वीडियो में दिखाया था, और जब नाम दिखाता था, नाम दिखाने के टाइम में ये रोड दिखाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा। ऊपर जाके ठाकुर साहब का जो हवेली बनाया था घर, ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ आपको। ये रोड का एक्चुअली शूटिंग किया था उन्हें, और वो पहाड़ का ऊपर से मैं देखता हूँ ऊपर जाके। अगर ये है मेरा धनु दोस्तों, ये धनु मेरा बहुत साथ दिया। देखिए दोस्तों, ये है वो रोड है जिधर से बासंती टांगा लेके ऊपर जाके एंड करेगा, और वो दोनों सिपाही जो आ रहा था, ये रोड बिल्कुल मैच हो जाएगा। इधर से ही जाके दिखाई दिया, वो पीछे का जो पहाड़ी है वो पेड़ के लिए तो दिखाई नहीं जाता, एकदम बिल्कुल यही है। इधर ही आके रुका था गाड़ी। देखिए बहुत आदमी कमेंट किया, जो बसंती जिधर टंगा एंड किया था सर जी, वो तो मेरे को नहीं दिखाया, यही है वो जगह। देखिए इसी टाइम शूटिंग का टाइम ही ये रोड बनाया था। देखिए ये रही ठाकुर साहब की हवेली। यूं कि कमाल हो गया, तुम लोगों की बातों में रास्ते का पता ही नहीं चला। ऐसा आके ये रोड पे ऐसा ऊपर जाएगा। दोस्तों मेरा ही वीडियो देख के कुछ मेरा सब्सक्राइबर इधर आ गया, देखिए वीडियो देख के लोकेशन देखने के लिए आ गया। देखिए ये सभी बहुत दूर से आया, झारखंड से आया। ये देखो ये सभी झारखंड से, उन्हें बहुत दूर से आया ये हमारा लोकेशन देखने के लिए। कैसा लग रहा है तुमको बोलो? बहुत अच्छा। मेरा वीडियो देखा? हाँ देखा। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा ठीक है। वो पत्थर देखा? यही इधर ही ठाकुर साहब का घर था इधर। हाँ इधर ही ठाकुर साहब का घर था। और देखो गब्बर सिंह इधर, जब ठाकुर साहब का बेटा को गोली मारेगा, जेल से छूट के आएगा ना, भाग के आएगा ना, तो ये पहाड़ी दिखाई देगा। इधर से ही गब्बर सिंह आएगा।
इधर ही खड़ा होके ठाकुर साहब का जो पोता था, ठाकुर साहब के पोता को इधर से गोली मारेगा। देखो इधर ही ठाकुर साहब का घर था, देखा है? और ये कहाँ है जहाँ पे दारू पीता था? दारू पीने का एक जगह, आओ दिखाता हूँ। ये तो मैं पहले दिखा दिया, फिर भी तुम लोग आया, इसलिए तुम लोग को इतना दूर से मेरा वीडियो देख के आया, तो तुमको जरूर दिखाएंगे। देखो तुम वीडियो ध्यान से देखना, ये जो धर्म जी पैदल में जाएगा ना, ये जो पत्थर देख रहे, ये तुमको दिखाई देगा। ये देखो यही वो जगह है, देखो जिधर से यही वो जगह है, यही पत्थर है। मेरा यार बोलेगा ना, मेरा ये यार मेरे एक काम कर देगा, बसंती से शादी का बात मौसी से बोलना। ये देखो उस टाइम इधर से आएगा, तुमको एकदम बिल्कुल मैच हो जाएगा। ये देखो हाँ हाँ देखो, इधर से आने के बाद वो आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते, आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता, मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान जो पहाड़िया है वो भी दिखाई देगा, देखो वो पहाड़ी भी दिखाई देगा। और एक चीज दिखाता हूँ, आओ ये देखो, यही पोजीशन में ठाकुर का घर था, वो जो पहाड़ी पूरा दिखाई देगा। तुम स्क्रीन अच्छा से फिल्म देख के बाद में मालूम हो जाएगा। ये देखो एक एक तुम्हारा नाम बोलो यार, सबका नाम। तुम्हारा नाम? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह। तुम्हारा? कुमार महतो। अच्छा तुम्हारा? मिलन मुखर्जी। तुम्हारा? पप्पू कुमार महतो। तुम्हारा? रोहित मुर्मू। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। तुमको और लोकेशन मैं दिखाता हूँ। भैया सब्सक्राइब करो, तुम्हारा फ्रेंड को भी शेयर करो। हाँ सबको धन्यवाद। देखिए दोस्तों यही बना था रामगढ़ गांव। यही है रामगढ़ गांव। दोस्तों ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए वो जो मैदान देख रहे हैं अभी साफ हो गया, उधर ही टैंकी बसाया था, होली होली का गाना बोलो सब उधर ही शूट किया था। वो जो ग्राउंड है ना, हाँ वो जो ग्राउंड देख रहा है उधर ही शूट किया था, होली का गाना बोलो फाइटिंग बोलो टैंकी बोलो उधर ही। वो जिस पे चढ़ के वो चिल्ला रहा था, और वही वो रास्ता से ही बसंती टांगा लेके आएगा, मालूम है? बासंती टांगा लेके वो रास्ता में ही आएगा। तो आप समझो ये कि माँ बाप तो हमारे पहले ही से नहीं थे, और फिर मौसा के बाद मौसी और टांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर टांगा चलाती है, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्यो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? देखिए दोस्तों ये जगह का लोकेशन भी आप मैच कर लीजिए,
जब गब्बर सिंह ठाकुर साहब के बेटा पोते को मारने को आया था, वो घर का ऊपर से वो जो जगह दिखाई दिया और उधर सब डाकू खड़ा था, एकदम 100% मैच। देखिए दोस्तों, यही है वो जगह। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरे फिल्म का लोकेशन भी दिखाएंगे। वीडियो देखते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।